क्लास टेंथ का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ लिए थे कि बाबू हर्ट्स के बारे में क्या होता है, हर्ट्स कैसा होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, हर्ट जो होता है वह कैसा होता है, बोनलेस ऑर्गन है, उसमें कोई बोन नहीं होता है। हर्ट जो होता है वह फिस्ट शेप में होता है, लाइट कलर में होता है, लाइट पिंक कलर कह सकते हो, ठीक है। हाँ, और जो हर्ट होता है वह कैसा होता है, मस्कुलर होता है। हर्ट्स के पास जो एक मेम्ब्रेन होता है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। देखिए बताए थे आप लोगों को, देखिए यहाँ पे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। एंड ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हर्ट जो होता है वह पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से कवर होता है, ठीक है। जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है उसे हम पेरिकार्डियम भी कह सकते हैं कि, और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है तो जब डबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे देखो बच्चों, फॉर्म टू पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ठीक है। जब यहाँ पे टू मेम्ब्रेन है इसका मतलब कि दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस भी होगा, तो वहाँ पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो प्रोटेक्शन का काम करता है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ें कि हर्ट कैसा होता है, हमारे मतलब थोरैक्सिक कैविटी में होता है, इनसाइड द लंग्स होता है, लेफ्ट बिल्कुल सेंटर में होता है, बिल्कुल हल्का सा लेफ्ट झुका होता है, इस नाते हम बोलते हैं कि हर्ट लेफ्ट साइड में होता है। फिस्ट शेप का होता है, बोनलेस होता है, ठीक है। हर्ट जो होता है वह पंपिंग ऑर्गन होता है, मतलब हमारे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, ट्रांसफर करता है, पंप करता है, इस नाते इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हर्ट में क्या है, हर्ट फोर चैम्बर होते हैं, मेन देखा है दो पार्ट में डिवाइड होता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल्स में। उसमें भी मतलब दो ऑरिकल्स में दो ऑरिकल होते हैं, दो वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल्स, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन से वाल होते हैं उसके बारे में भी बता चुके हैं। वाल का काम होता है क्या, कि वो फिर से उस चीज़ को बैक फ्लो ना करने पाए पहले वाले जगह पे, ठीक है ना। इस नाते होता है जो हर्ट का साउंड होता है, ऐसे में होता है ना कि हर्ट जो होता है वो क्या करता है, साउंड करता है, वन मिनट में 72 टाइम्स पंप करता है हर्ट ब्लड को, ठीक है। तो इस नाते वहाँ से एक साउंड निकलता है, उसको हम लप और डब कहते हैं, ठीक है। हर्ट प्रोड्यूस साउंड इज कॉल्ड लप डब, ठीक है। हर्ट जो होता है वो क्या होता है, वन मिनट्स में 72 टाइम्स बीट करता है, मतलब 72 टाइम्स क्या करता है, ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में। ये थोड़ा बहुत उसके बारे में था। हर्ट में बहुत सारे वाल होते हैं, मैंने इसके बारे में इसके पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हर्ट वेसल्स एंड ब्रिंगिंग ब्लड टू हर्ट, द राइट ऑरिकल्स रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, इसके बारे में बताए हैं आप लोग को, हम फिगर बना के बताए थे। जो राइट ऑरिकल होता है वो क्या करता है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है ना। राइट ऑरिकल जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से रिसीव करता है, ठीक है ना, बाय द वेना कावा, इसके बारे में ही बताए थे आप लोगों को। कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ वेना कावा द ब्लड रिसीव बाय द राइट ऑरिकल्स, ठीक है, हाँ, फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स। इसमें देखिए दो है, सुपीरियर और एंटीरियर वेना कावा आर, इसे हम बोलते हैं प्री कैवल्स, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों, रिसीव ब्लड फ्रॉम हेड एंड अपर रीजन ऑफ द बॉडी, सुपीरियर और एंटीरियर वेना कावा। हम बताए थे थोड़े मतलब कुछ वीडियो पहले, एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होता है। सपोज दैट कि एक पेन लीजिए, और पेन का जो कैप वाला पार्ट होता है जहाँ से आप लोग लिखते हैं वह वाला पार्ट कह सकते हैं कि एंटीरियर है, और जो उसके अपोजिट वाला पार्ट होता है उसे पोस्टीरियर कह सकते हैं। अगर हम एक इंसान के बॉडी के बारे में बात करें तो जो माउथ वाला जो हेड वाला पार्ट होता है वह एंटीरियर होता है, और जो पैर वाला पार्ट होता है उसे हम पोस्टीरियर कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बताया आप लोग को क्या करता है, राइट ऑरिकल जो होता है वह बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सुपीरियर या एंटीरियर वेना कावा या प्री कैवल्स। इसका क्या काम होता है कि हेड या अपर रीजन, हेड मतलब बॉडी में जो हेड होता है या बॉडी का जो अपर रीजन होता है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और हार्ट में ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। चेस्ट या आर्म कह सकते हो, ये अपर रीजन होता है हमारे बॉडी का। इन्फीरियर और पोस्टीरियर वेना कावा और पोस्ट कैवल रीजन, ठीक है ना। इसके बाद जो नीचे वाले पार्ट्स होते हैं, चेस्ट के नीचे वाले पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो पोस्टीरियर पार्ट्स में आ जाएंगे। देखो एब्डोमेंस एंड लेग, एब्डोमेन मतलब वही एब्डोमिनल कैविटी, इसमें स्टमक होते हैं, पैंक्रियाज होता है, इंटेस्टाइन होता है, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में आते हैं। थोरैक्सिक कैविटी में दो ही आता है बस, हर्ट और लंग्स। तो यहाँ से ब्लड को रिसीव करने का काम करता है और ट्रांसफर करता है राइट ऑरिकल्स में। तो राइट ऑरिट्रियम बताया मैंने अभी, ठीक है, राइट ऑरिट्रियम के बारे में अभी हम बताएं, राइट ऑरिकल्स के बारे में रिसीव करने का काम करता है। इसमें भी दो पार्ट से रिसीव करता है, अपर रीजन जो रिसीव करता है वो सुपीरियर या एंटीरियर वेना कावा या प्री कैवल्स रीजन से रिसीव करता है ब्लड को, और ये इन्फीरियर या पोस्टीरियर वेना कावा या पोस्ट कैवल जो होता है वह बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट से ब्लड को रिसीव करता है। कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजता है, राइट ऑरिकल्स में। एंड देन वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है,
राइट वेंट्रिकल्स में एंड फिर वहाँ से ट्रांसफर होता है लंग्स में जाता है। इसके बारे में बताए थे आप लोग पिछले वीडियो में, फिगर बना के हम उसको बताए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, बॉडी ऑर्गन से क्या होता है, वेना कावा के द्वारा राइट ऑरिकल्स पे जाता है वहाँ से, ठीक है ना, ये वाल्व होता है, राइट वेंट्रिकल्स में आता है इसके द्वारा, फिर ये क्या होता है क्लोज हो जाता है ताकि ये बैक फ्लो ना होने पाए फिर इसमें, फिर राइट वेंट्रिकल से क्या होता है कहाँ जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। तो मैं इसके बारे में कल बता चुकी हूँ, फिर से एक बार बता दिए हैं, ठीक है, और इसी के बारे में इसको बताया गया है। द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, है ना, फॉर पल्मोनरी वेंस। द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल क्या है, लेफ्ट ऑरिकल यही ना, क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेंस के द्वारा लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम में ट्रांसफर हो रहा है। तो कह सकते हैं कि लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स बाय पल्मोनरी वेंस, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेंस के द्वारा लंग्स से रिसीव करता है, ठीक है, एंड देन ट्रांसफर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो नंबर में कितने होते हैं पल्मोनरी वेंस, 4 होते हैं। अब देखिए पल्मोनरी वेसल्स लिविंग द हार्ट्स, पल्मोनरी ट्रंक, अरोटा या ऑर्टिक आर्क भी कह सकते हैं इसको। पल्मोनरी ट्रंक क्या होता है, इट डिराइव फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स एंड कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। द इट डिराइव फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स, ये कहाँ से राइज होते हैं, ये राइट वेंट्रिकल से राइज होते हैं और क्या करते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करते हैं लंग्स में फॉर द ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन मीन्स फिर से उसको ऑक्सीजन देने के लिए, ठीक है ना, प्योर करने के लिए कह सकते हैं। द इट्स ओपनिंग इन द राइट और राइट वेंट्रिकल्स इज गॉर्डेड बाई 3 सेमिलूनर पल्मोनरी वॉल्स, ठीक है। द ओपनिंग इन द राइट वेंट्रिकल्स इज गॉर्डेड बाई, राइट वेंट्रिकल्स का जो ओपनिंग होता है वह किसके द्वारा गॉर्ड होता है भाई, 3 सेमिलूनर पल्मोनरी वॉल्स के द्वारा। एंड देन क्या होता है फिर उस, कि वह फिर से वह चीज़ बैक फ्लो नहीं होता है फिर से लेफ्ट उसमें राइट वेंट्रिकल्स में, इसके लिए होता है। अरोटा या अरोटिक आर्क क्या है, इट इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स दैट डिराइव फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। इट्स ओपनिंग इज इन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स इज गॉर्डेड बाई 3 सेमिलूनर अरोटिक वॉल, ठीक है। सारा अगर आप लोग इस फिगर को समझ जाएंगे ना, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है कि लेफ्ट लंग से क्या होता है, लेफ्ट आर्टरी में ट्रांसफर करता है, यहाँ भी वॉल होता है, बाइकप्सिप 2 वॉल था, ठीक है, इन दोनों में होता है अल्टरनेट करके। फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से भी ट्रांसफर होता है, यहाँ भी 3 सेमिलूनर अरोटिक वॉल्स होते हैं जो इसमें ट्रांसफर करता है बॉडी ऑर्गन्स में अरोटा के द्वारा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। एंड देन क्या होता है, बॉडी ऑर्गन्स के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, राइट आर्ट्रियम में, कौन ले जाता है उसको, वेना कावा। एंड देन वह ट्रांसफर कहाँ होता है, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजता है, क्यों, फॉर द ऑक्सीजनेशन। जो ऑक्सीजन की कमी हो गई अभी, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं उसको, जो ऑक्सीजन की कमी हो गई उसको पूर्ति करने के लिए फिर कहाँ भेजता है इसको, लंग्स में भेजता है। और लंग्स क्या करता है, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से बाहर निकालता है CO2 के फॉर्म में, ब्लड को नहीं गैस को, जिसकी वजह से वो डीऑक्सीजनेटेड हुआ है। एंड देन फिर ऑक्सीजन आता है, ये ऑक्सीजनेशन हो जाता है, फिर ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, फिर वह ट्रांसफर हो जाता है। तो चल रहा है, साइकिल चल रहा है ना, एक चक्र ऐसे, ठीक है। तो ये होता है आपका सब कुछ, इतना समझ में अगर आ गया डायग्राम ना, सारे वॉल्स के नाम, सारे वेंस के वेसल्स के नाम और कहाँ कहाँ कौन कौन सा चैम्बर होता है, तो आप मान लीजिए आप लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम लगभग तैयार हो जाएगा। ब्लड सप्लाई टू हार्ट, ठीक है ना। अब ब्लड जो होता है वो हार्ट में सप्लाई कैसे होता है, ठीक है। तो ब्लड ए पेयर ऑफ कार्डियक और कोरोनरी आर्टरीज अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ अरोटा सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल, ठीक है। मान लीजिए हार्ट तो ब्लड ट्रांसफर कर ही रहा है ना, लेकिन हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, उसको भी तो ब्लड चाहिए ना, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो वह क्या होता है, ए पेयर ऑफ कार्डियक और कोरोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ अरोटा, ठीक है। वह अरोटा के बेस से, यहीं से एक और निकलता है वेसल जो हार्ट को ही ट्रांसफर करता है ब्लड। अगर हार्ट को भी ऑक्सीजन ना मिले तो क्या हार्ट काम करेगा हमारा, हार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे बॉडी का है, तो हार्ट को भी ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी होता है जो अरोटा के बेस से निकलता है। अरोटा क्या काम कर रहा था कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स में ट्रांसफर कर रहा था, उसी के पास से ही निकलता है कोरोनरी आर्टरी या कार्डियक बोलते हैं उसको, ठीक है, वो ट्रांसफर करता है। जो हमारा हार्ट होता है किससे मिलकर बना होता है, कार्डियक मसल से,
है ना। और कॉर्ड कह सकते हैं कि कॉर्डियक आर्टरी या कॉरनरी आर्टरी ट्रांसफर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू, है ना, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू हार्ट। ए सीरीज ऑफ कॉरनरी वेंस कलेक्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड जॉइंट टू फॉर्म कॉरनरी सिनस विच ओपन इनटू राइट आर्ट्रियम। और जो मान लीजिए उसमें भी तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड बनेगा ना, तो उसमें से कौन रिसीव करता है, ये कॉरनरी वेंस रिसीव करता है और कॉरनरी आर्टरी उसको ट्रांसफर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। इट्स ओपनिंग इज गार्डेड बाय वॉल ऑफ कॉरनरी सिनस। इसमें भी तो है ना कि ट्रांस, मान लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल से, मान लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल के यहीं पास में ही एक और है कॉरनरी आर्टरी कहते हैं, तो ये अगर हार्ट को ट्रांसफर करता है तो यहाँ भी एक वॉल होता है, ठीक है, इसे कॉरनरी वॉल, वॉल कॉरनरी वेनस कहते हैं। तो क्या होगा अगर ये भी यहाँ पे कोई वॉल ना हो, तो क्या होगा हार्ट में ट्रांसफर करने के बाद फिर से तो बैक फ्लो हो सकता है ब्लड, इस नाते यहाँ भी एक वॉल हो, जैसे ये इसमें से इसमें ट्रांसफर करेगा ये वॉल बंद हो जाएगा और क्या होगा फिर ये ट्रांसफर होकर चला जाएगा हार्ट में, और फिर डीऑक्सीनेटेड जब ब्लड होगा तो फिर क्या होगा सिनस आर्टरी जो होगा वो उसको रिसीव करेगा और लेफ्ट राइट आर्टरी में ट्रांसफर करेगा, क्योंकि यहीं पर तो फिर यहाँ से इसमें ट्रांसफर होगा फिर देन लंग्स में जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन्स, ठीक है। आप लोग जो आज पढ़ाए गए हैं, देखिए थोड़ा सा ही पढ़े हैं हम लोग, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम टफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और टॉपिक से, इस नाते इसको आप लोग आराम से पढ़िएगा और डेली जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अपने वर्ड्स में, है ना, कोशिश करिएगा कि अपने वर्ड्स में सही से उसको लिख के और समझें, फिगर डायग्राम जो है ना, डायग्राम को प्रैक्टिस करिए डेली, डायग्राम बनाना आप लोग अच्छे से आ जाए। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अब कल ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट्स, कैसे ब्लड फ्लो होता है हार्ट्स के द्वारा।